दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि हमारे बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि अनमोल धरोहर हैं। आइए सुनते हैं कहानी। जापान के एक राज्य में किसी वक्त कानून था कि बुजुर्गों को एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद जंगल में छोड़ आया जाए। जो इसका पालन नहीं करता था उसे संतान समेत फांसी की सजा दी जाती थी। उसी राज्य में पिता पुत्र की एक जोड़ी रहती थी। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। उस पिता को भी एक दिन जंगल में छोड़ने का वक्त आ गया। पुत्र का पिता से अलग होने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करता, कानून तो कानून था। पुत्र पिता को कंधे पर लाद कर जंगल की ओर चल दिया। जंगल के बीच पहुंचने के बाद पुत्र ऐसी जगह रुका जहां पेड़ों पर काफी फल लगे हुए थे और पानी का एक कुंड भी था। पुत्र ने सोचा कि पिता की भूख प्यास का तो यहाँ इंतजाम है, रहने के लिए एक झोपड़ी और बना देता हूँ। 2 दिन तक वो वहीं लकड़ियाँ काटकर झोपड़ी बनाने में लगा रहा। पिता के विश्राम के लिए एक तख्त भी बना दिया। पिता ने फिर खुद ही पुत्र से कहा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। भरे मन से पुत्र ने पिता से विदाई ली तो पिता ने उसे एक खास किस्म की पत्तों की पोटली पकड़ा दी। पुत्र ने पूछा कि ये क्या दे रहे हैं, तो पिता ने बताया, बेटा जब हम आ रहे थे तो मैं रास्ते भर इन पत्तों को गिराता आया था, इसलिए कि कहीं तुम लौटते वक्त रास्ता न भूल जाओ। ये सुना तो पुत्र जोर जोर से रोने लगा। अब पुत्र ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो पिता को जंगल में अकेले नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर पिता ने समझाया, बेटा ये मुमकिन नहीं है, राजा को पता चल गया तो दोनों की खाल खींचने के बाद फांसी पर चढ़ा देगा। पुत्र बोला, अब चाहे जो भी हो मैं आपको वापस लेकर ही जाऊंगा। पुत्र की जिद देखकर पिता को उसके साथ लौटना ही पड़ा। दोनों रात के अंधेरे में घर लौटे। पुत्र ने घर में ही तहखाने में पिता के रहने का इंतजाम कर दिया जिससे कि कोई और पिता को न देख सके। पिता को सब खाने पीने का सामान वो वहीं तहखाने में पहुंचा देता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन राजा ने राज्य भर में मुनादी करा दी कि जो भी राख की रस्सी लाकर देगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। अब भला राख की रस्सी कैसे बन सकती है? उस पुत्र तक भी ये बात पहुंची। उसने पिता से इसका जिक्र किया। पिता ने यह सुनकर कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक तसले पर रस्सी को रख कर जला दो, पूरी जल जाने के बाद रस्सी की शक्ल बरकरार रहेगी। यही राख की रस्सी है, जिसे राजा को ले जाकर दिखा दो। बेटे ने वैसा ही किया जैसा पिता ने कहा था। राजा ने राख की रस्सी देखी तो खुश हो गया। वादे के मुताबिक पुत्र को अशर्फियों से लाद दिया गया। थोड़े दिन बाद राजा को फिर सनक जागी। इस बार उसने शर्त रखी कि ऐसा ढोल लाया जाए जिसे कोई आदमी बजाए भी नहीं, लेकिन ढोल में से थाप की आवाज लगातार सुनाई देती रहे। अब भला ये कैसे संभव था, कोई ढोल वाला ये करने को तैयार नहीं हुआ। ये बात भी उस पुत्र ने पिता को बताई। पिता ने झट से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पिता ने पुत्र को समझाया, ढोल को खोलकर उसमें मधुमक्खियां भर दो, फिर ढोल को बंद कर दो। अब मधुमक्खियां इधर से उधर टकराएंगी और ढोल से लगातार थाप की आवाज आती रहेंगी। पुत्र ने जैसा पिता ने बताया वैसा ही किया और ढोल गले में लटकाकर राजा के पास पहुंच गया। ढोल से बिना बजाए आवाज लगातार आते देख राजा खुश हो गया, फिर उसे मालामाल किया। लेकिन इस बार राजा का माथा भी ठनका। उसने लड़के से कहा कि तुझे इनाम तो मिल ही गया, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या पूरे राज्य में अकेला तू ही समझदार है। कुछ राज तो है, राज बता तो तुझे दुगना इनाम मिलेगा। इस पर लड़के ने कहा कि ये राज वो किसी कीमत पर नहीं बता सकता। राजा के जोर देने पर लड़के ने कहा कि पहले उसे वचन दिया जाए कि उसकी एक मांग को पूरा किया जाएगा। राजा के वचन देने पर लड़के ने सच्चाई बता दी, साथ ही मांग भी बताई कि उसी दिन से बुजुर्गों को जंगल में छोड़कर आने वाले कानून को खत्म किया जाए
और जो बुजुर्ग ऐसे हालात में जंगल में रह रहे हैं उन्हें ससम्मान वापस लाया जाए। राजा ने वचन के अनुरूप फौरन ही लड़के की मांग मानते हुए उस कानून को निरस्त कर दिया, साथ ही जंगल से सभी बुजुर्गों को वापस लाने का आदेश दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखना है आप स्वतः ही समझ गए होंगे।